हेलो गाइस, मैं हूं प्रिंस। आप देखो रोटेक्स फिल्डर, और आज की इस वीडियो में बताने वाला आपको रियलमी 8S के बारे में, जो कि फुल स्पेक्स और फीचर्स आउट होकर इसके बाहर निकल गए हैं। तो मैं इस वीडियो में इसके इन डिटेल स्पेक्शन बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा ही आपने सोचा, रियलमी अपने 8 सीरीज को इंडिया में रियलमी 8 प्रो को लॉन्च कर चुकी है, लेकिन इन्हें भी रियलमी 8i 8s फोन लॉन्च करना है। तो मैं बता दूं कि रियलमी 8s का पूरा फीचर्स निकल के आउट हो चुका है। तो मैं आपको बताता हूं, इसमें आपको डिस्प्ले, अगर बात करें यहां पर रियलमी 8s के डिस्प्ले की, आपको इसमें मिलने वाला है 6.5 इंच के फुल HD 90Hz सुपर AMOLED डिस्प्ले। जी हां दोस्तों, इसमें आपको ऐसा 5G फोन है जिसमें आपको AMOLED स्क्रीन के साथ 90Hz से मिल जाएगा। इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास का जो प्रोटेक्शन है फ्रंट में मिल जाएगा, और पीछे प्लास्टिक मिलेगा। अगर बात करें इसके पीक ब्राइटनेस की, जिसमें आपको 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी, जो कि काफ़ी सनलाइट में काफ़ी अच्छा फ़ोन काम करेगा। नेक्स्ट फीचर्स की जिसमें निकल के आ रहा है, आपको इसमें मिलेगा MediaTek की Dimensity 810 प्रोसेसर, जो कि एक नया प्रोसेसर है, पहला फ़ोन है जिसमें आपको देखने को मिलेगा। और ये बात करें तो 800 से थोड़ा सा बेटर आपको इसका CPU मिलता है। अब वही बात करूं इसकी डिज़ाइन की, तो इसमें आपको मिलेगा साइड माउंटेड साइड पंच होल डिस्प्ले, जो कि रियलमी का सभी फ़ोन में आपको देखने को मिलता है। अगर बात करें इसकी कैमरा की, तो इसमें आपको रियलमी 8S में मिलेगा 64MP का ट्रिपल कैमरा। अगर बात करें ट्रिपल कैमरा सेटअप की, तो 64MP का मेन कैमरा और 8MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का माइक्रो आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब बात करें यहाँ पर सेल्फी शूटर को, तो आपको इसमें पंच होल के साथ 16MP का सेल्फी शूटर मिलेगा। और बताया जा रहा है कि इसमें आपको जो फ्रंट कैमरा होगा ये सोनी का होगा, तो काफ़ी अच्छा होगा। अब बात करते हैं अगले लिक्स एंड रेंडर्स की, तो यहाँ पे निकल कह रहा है इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलेगा। मैं अपने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ इसकी इमेज जो लिक्स होके सामने आई है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट और साथ ही साथ वाईफाई 5 का सपोर्ट। और इसमें बताया जा रहा है कि NFC का भी सपोर्ट मिलेगा, जो कि रियलमी का पहला फ़ोन है जो इंडिया में NFC के साथ आएगा। शायद से पहला फ़ोन है, उतना मुझे पता नहीं, लेकिन पहला फ़ोन हो सकता है। और इसमें ब्लूटूथ 5.1 का भी फीचर आपको देखने को मिलेगा। अब वही बात करें रैम की, इसमें आपको देखने को मिलेगा 4GB 6GB रैम और 64GB 128GB रोम। इसमें आपको मिलेगा LPDDR4X रैम और UFS 2.2 का सपोर्ट, जो कि फ़ोन इस्तेमाल करने में आपको काफ़ी फास्ट लगेगा, क्योंकि ऐसे मैं देखूं तो रियलमी का फ़ोन ज़्यादा UFS 2.1 पर आते हैं, लेकिन ये 2.2 पे है, तो काफ़ी अच्छा है। अब बात करूँ मैं चार्जर और बैटरी के बारे में, तो इसमें आपको सरप्राइजली रियलमी इस बार 5000 mAh बैटरी के साथ इसमें आपको 30W का या 33W का चार्जिंग डालने वाला है। जी हाँ, अगर जितने 5G फ़ोन देखो ना, बस Narzo 30 Pro को आप हटा लीजिए, तो सभी में 18W है, तो इसीलिए अब लेकिन 33W लेके आ रही है, तो काफ़ी अच्छा फीचर्स है। अब बात करूँ प्राइसिंग के बारे में, जो कि आप कब से इंतज़ार कर रहे होंगे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और उससे अच्छा लगा तो लाइक तो बनता है भाई साहब। अब बात करूँ मैं प्राइसिंग की, तो इसकी प्राइसिंग Narzo 30 Pro से कम रहने वाली है। लेकिन आप लोग बोलोगे तो फीचर्स तो ज़्यादा हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि कम रहने वाली है, ये फ़ोन एग्रेसिव प्राइस पे आएगी। तो आज की वीडियो इतना ही, तब तक बाय बाय।